डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट नाउ आई एम गोइंग टू टू चैप्टर फोर ऑफ योर वैल्यूज दिस इज ऑन पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नो आई एम नॉट हांगड़ी देखो मदर माँ अनु को अपनी ब्रेकफास्ट के लिए बुलाई अनु बोली कि माँ मुझे भूख नहीं है तो माँ ने क्या किया जो लंच वो खाना पसंद करती थी स्कूल में वो लंच उसने उसे पैक कर दिया लेकिन जब अनु घर लौटी तो उसकी माँ ने देखा कि अनु अपनी लंच को भी छुई नहीं थी वो कुछ नहीं खाई थी देखो पिछले हफ्ता स्कूल में खेलने के वक्त मैदान में वो बेहोश हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि उस वो ठीक ठाक खाना नहीं खा रही है तो उसको प्रॉपर खाना देना है तो मदर बहुत परेशान था क्योंकि वो अनु को अच्छे अच्छा खाना बना के दे रही थी लेकिन अनु आजकल कुछ नहीं खा रही थी देखो अनु हमेशा ऐसा नहीं था अनु अनु एक वक्त एक समय था जब अनु बहुत हेल्दी और स्ट्रांग थी और वो सब खाना खाती थी घर में और स्कूल में वो सारा काम को एन्जॉय करती थी सारे एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लेती थी लेकिन पिछले एक साल से न जाने क्यों अनु को बिल्कुल भूख नहीं लगता था उसको खाने में बिल्कुल कोई रुचि नहीं था पिछले साल अनु ने अपनी पापा को रिक्वेस्ट किया था कि उसकी पापा उसे एक स्मार्टफोन दें उनके पेरेंट्स अनु की पेरेंट्स एक बार में नहीं मानी क्योंकि अनु अब छोटी लड़की थी और स्मार्टफोन बड़ों के लिए होता है लेकिन अनु उन लोगों को समझाया कि आजकल के युग में ज़माने में स्मार्टफोन होना बहुत ज़रूरी है तो बाद में पापा मान गए और एक काफ़ी अच्छा और कीमती स्मार्टफोन वो अनु को खरीद कर दिया अनु कहा पापा धन्यवाद आप देखोगे कि अब से मैं ये स्मार्टफोन की मदद से स्कूल में और भी ज़्यादा नंबर लाऊँगा क्योंकि अभी अभी पढ़ाई में अगर मुझे कुछ मुसीबत होगा तो मैं आसानी से फ़ोन करके अपनी दोस्तों को पूछ पाऊँगा या अपनी टीचर से बात करके मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँगा लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या अनु की नंबर तो बढ़ा ही नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम में अनु का नंबर नीचे से नीचे आता गया उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे और मम्मी तो विशेषतः परेशान थी क्योंकि अनु खाना बंद कर दी थी इनफैक्ट अनु अब बड़ा अनु पहले ही अनु आजकल बड़ा चुन चुन कर खाती थी सारा वक्त वो अपनी फ़ोन को लेकर फोन में लेटेस्ट क्या पोस्ट आया या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में दोस्तों का जवाब देना इसी काम में आजकल वो बिज़ी रहता था वो इतना नेट सर्फ कर, करते रहती थी सारा दिन कि उसको खाने से भी रुचि चला गया था और छोटी छोटी बात में आजकल वो चिढ़ जाता था कुछ समय मम्मी पापा कोशिश किया कि अनु को स्मार्टफोन से दूर रखने के लिए लेकिन अनु नहीं मानी ठीक है और जो भी उसकी मम्मी पापा उसे कहते थे हर बात का अनु के पास तुरंत जवाब होता था अनु कहती थी कभी कभी पापा ये देखने दो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है कभी कभी कहती थी पापा ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है पहनने दो ओ पापा आप लोग समझते नहीं हो स्मार्टफोन कितना इंपॉर्टेंट है ये बोल के वो अपनी मम्मी पापा को स्मार्टफोन उससे छीनने नहीं देती थी एक दिन रात को अन्नू को नींद नहीं आ रहा था नेक्स्ट मॉर्निंग उसको बड़ा बुखार आ गया वो बुखार में कांपने लगा और इतनी बुखार आ गया कि वो होश खो बैठा और बेहोशी के आलम में वो कुछ बकबक करने लगा अनाप शनाप वो क्या बोल रही थी या अनु को मम्मी पापा को समझ में नहीं आया अनु कुछ ऐसा कह रहे थी फिफ्टी थाउजेंड तुम कौन हो बचाओ परिणाम पचास नहीं इतना कह के वो दोबारा सो गई डॉक्टर ने उसे कुछ दवाई दिया और कुछ दिन बाद उनकी अनु की बुखार कम हो गया लेकिन फिर भी वो बहुत कमज़ोर था और बड़ा परेशान दिख रहा था तो डॉक्टर ने उसकी माँ को बुलाकर कहा कि मैम मुझे लगता है कि आपकी बेटी कुछ परेशानी में है कृपया अनु को अपने भरोसे में लीजिए और अनु से जानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सा बात है जो उनको इत, उसको इतना परेशान करके रखा है तो माँ ने अनु को एक ग्लास मिल्क दिया अनु हमेशा की जैसा कहा कि मैं भूखी नहीं हूँ माँ ने कहा भूखी नहीं हो तो ना सही पूरा मत पीना थोड़ा बहुत पी लो इससे तुम्हें बेहतर लगेगा तो अनु ने धीरे धीरे दूध पीने लगा तो जब अनु धीरे धीरे दूध पीने लगा तो उसकी माँ ने कहा कि अनु बताओ मुझे किस बात से तुम परेशान हो ये बुखार के समय तुम ये सब क्या बक रहे थे क्या बोल रहे थे तो अनु अब आंखों में आंसू लेकर अपनी माँ को देखी उसने फोन मांगी और फिर वो मैसेज बॉक्स वो खोली और माँ को कुछ मैसेज दिखाई ये मैसेज पढ़ के माँ शॉक्ट हो गई क्योंकि कोई अननोन पर्सन ने अनु को धमकाया था ये कह के कि पचास हजार रुपया जुगाड़ करो नहीं तो परिणाम के लिए तैयार रहना इसके अलावा भी और कुछ मैसेज थी मैसेजेस थे जिसमें अनु को धमकाया गया था तो माँ ने कहा अनु तुम बहुत ज़्यादा फेसबुक और दूसरे सोशल साइट्स में तुम बहुत ज़्यादा सर्फिंग करते थे लेकिन इन साइट्स में सुरक्षित तरीके से कैसे सर्फिंग करना है इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता तो अनु के पेरेंट्स ने तुरंत उसका फ़ोन नंबर बदल दिया और उसके जितने कॉन्टैक्ट्स है सबको डिलीट कर दिया उसके बाद उन्होंने स्कूल अथॉरिटीज़ को इसकी बारे में अगवा किया और जो पुलिस का साइबर क्राइम के जो ब्रांच है नेट के अपराध को पकड़ने के लिए जो साइबर क्राइम ब्रांच है उसके ऑफिसर्स को भी उन्होंने ये सारी बात बताया ये लोग उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो जो भी बदमाश है उनको हम शीघ्र ही पकड़ लेंगे और सजा देंगे अब देखो नेट में सुरक्षित तरीके से किस तरह से ब्राउजिंग करना है इसके बारे में अब अनु को समझाया गया और अनु को ये भी कहा गया कि अनलिमिटेड ब्राउजिंग मत करो बिना किसी नियंत्रण का लगातार हमेशा नेट में टिके मत रहो अब अनु अपना गलती मानी और अनु ने वादा किया कि अब हम बिना सोच समझ के स्मार्टफोन यूज़ नहीं करेंगे आई नो आई एम नॉट सेंसिबल ऑन द मीडिया साइट्स देन एनीवन वन कैन मेक ए तो अनु कहा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि नेट ब्राउजिंग जब हम करते हैं जो सोशल मीडिया साइट्स है वहाँ पर अगर हम चौकन्ना नहीं रहते हैं सोच समझ कर अगर इनको बुद्धि से अगर इनको हम यूज़ नहीं करते हैं तो कोई भी हमें मूर्ख बना सकता है तो देखो आजकल नेट में बहुत सारे क्राइम्स और फ्रॉड्स होते हैं इसीलिए हमें बहुत चौका रहना है जब भी हम लोग सोशल मीडिया साइट्स में कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसकी बारे में हमें बड़ा सोच समझ के ऐसा करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम नेट सर्फिंग करें अगर नेट हमारा नेशा बन जाए तो हमारी खाना पीना हम करना भूल जाते हैं हमारी तबीयत के ऊपर उसकी असर पड़ता है इसीलिए हमें इंटरनेट का एडिक्शन होना इंटरनेट का अगर हम एडिक्टेड हो जाए मतलब वो अगर हमारा नशा हो जाए तो उससे हमें काफ़ी नुकसान होगा इस बात से हमें चौकन्ना रहना चाहिए ओके सो दिस इज़ चैप्टर नंबर फोर थैंक यू सो मच